नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर दोस्तों आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों जो वीडियो हमने गुलाब की पहले डाली, आप लोगों ने उसको बहुत ही पसंद किया और आपको बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। आपका गुलाब के बारे में जानकारी जो हमने दी उसमें बहुत नॉलेज मिला होगा और आपने देखी, हमें बहुत खुशी मिली और आपने हमारे को थोड़ा और उत्साहित कर दिया। और दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट, कुछ भाइयों के कमेंट, कुछ बहनों के कमेंट आए हैं कि आप गुलाब की एक वीडियो थोड़ा एक बार और बनाइए। बनाना तो उसमें मैंने कुछ छुपाया नहीं था, अब मैं क्या दोबारा बताऊँगा, फिर उसमें से कुछ घटके इसमें बढ़ जाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। बाकी फिर भी बच्चे ही बोलते हैं पापा बना दो, तो आज मैं दोबारा बना रहा हूँ। बाकी मैं बनाना नहीं चाहता क्योंकि जो मैंने नॉलेज सीखा था वो सारा उसमें बता दिया। फिर भी चलो एक दो पॉइंट और हमारा ध्यान में आ गया तो बता देंगे, झूठ कुछ नहीं जोड़ेंगे, जो भी सच्चाई है वो जोड़ेंगे और आपका पौधा भी जिंदा रहेगा और फूल भी अच्छे खिलेंगे और आपके बगीचे की शोभा बढ़ेगी। और देखिए अभी हमारे पास जो कुछ ये नए गुलाब आए हैं, देखिए ये देखिए क्या शानदार हैं। 7 इंची थैली में ये देखिए, और सारे कोलकाता वाले रोज हैं, यानी कलकत्ते वाले गुलाब हैं। देखिए इसमें रेड है, टाइगर रोज है, येलो है, ये पिंक है, पिंक में ये देखिए टाइगर। और ये पुराने रोज हैं हमारे, जो हमारे पास बचे थे ना, जो पुराने बचे थे हमारे पास, हमने इनको देखिए गमलों में लगा दिया था। ये 10-5 ही बचे थे, ये हमने लगा दिया था, बहुत शानदार बने रहे। ये भी देखिए फुटावाने लग गया है, ये मिनेचर लगाए और ये दूसरे वाले, ये सारे ये भी टाइगर रोज हैं। ये कितना शानदार चल पड़े हैं, देखिए फुटाव बन गया है। ये 15 फरवरी के आसपास ये बहुत अच्छे खिलेंगे और हम इसको भी नहीं काटते हैं, राय तो देते हैं काटिए, सूख के अपने आप गिर जाएगा। देखिए सूख गया ना, इसको ज़रा सा करोगे देखो ये हो गया ना, टूट गया। इसको गीला है तो काटिए मत, सूखने के बाद ऐसे आराम से कट जाता है तो हमारी डंडी वहाँ से ब्लैक नहीं होगी, यानी काली नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये देखिए ये जो हमारा टाइगर रोज है, इसमें वाइट की जगह येलो है। ये उस जिसमें सफ़ेद था उससे भी शानदार है। और इनमें देखिए ये देखिए ये बिल्कुल रेड है, ये देखिए बिल्कुल लाल, और ये पिंक है, ये देखिए पिंक है, ये टाइगर पिंक है, अभी खोलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये देखिए 7 इंची थैली में जब हमारा पौधा इतनी ब्रांच ले लेता है तो हमारे जब 10-12 इंची गमले होंगे उसमें ये क्यों नहीं अच्छा बनेगा। उसमें हम कुछ गलतियां करते हैं, वो गलतियां हम सुधार सकते हैं और अपने गुलाब को अच्छा बना सकते हैं। देखिए 7 इंची थैली है, ये मेरे पास आई तो मैंने इनमें थोड़ा थोड़ा खाद मिट्टी ऊपर डाल दिया, जब तक मेरा बिकेगा बिकेगा, नहीं तो बाद में इसको गमले में शिफ्ट। देखिए इसमें 1-7 इंच में देखिए कितनी, 1, 2, 3, 4 तो कलियां बन गई। ये पांचवी देखो यहाँ गिरी हुई है, ये देखिए ये पांचवी यहाँ है। तो 7 इंची जब गमले में हमारे 5-6 फूल आ सकते हैं तो 10-12 इंची गमले में हमारा पौधा बहुत ही शानदार बन सकता है। उसका बनाने का तरीका यही है, बढ़िया खाद मिट्टी लीजिए, अक्टूबर में कटिंग करिए, कटिंग के बाद जो रोज मिक्सर मैंने पहले वीडियो में बताया वो डालिए और 3 महीने के अंतराल पर आप बढ़िया कोई भी कंपोस्ट, और मैं तो ये कहूँगा कि आप कंपोस्ट को छोड़ के गोबर की गली सड़ी खाद डालिए, उससे बेहतर कोई चीज़ है ही नहीं, वो धीरे धीरे काम करती है। कंपोस्ट का हम नहीं कह सकते, कुछ मिला भी सकते हैं, जो गोबर की खाद गली सड़ी है वो बहुत ही शानदार होती है, वो धीरे धीरे पौधों में काम करती है, धीरे धीरे खेती बाड़ी में काम करती है। यानी 3 महीने के अंतराल पर हम डालेंगे तो 3 महीने में वो काम करेगी और 3 महीने में अगली और 3 महीने में अगली, ऐसे गोबर की अगर आपको गली सड़ी खाद मिल जाती है तो उससे बेहतर कोई खाद नहीं है। आप गोबर की खाद यूज करिए, कंपोस्ट को भी थोड़ा किनारे करिए, फिर आप देखिए ना वो ज़्यादा गर्म होती है, गली सड़ी अगर कच्ची लोगे तो गर्मी बना देती है, गली सड़ी खाद होगी तो बहुत शानदार आपके गुलाब चलेंगे, मिट्टी भी भुरभुरी रहेगी। और एक बात का और ध्यान रखिए, आप अपने गुलाब में पानी कम से कम डालिए, पानी कम से कम डालिए,
जब सर्दी का महीना होता है, नवंबर दिसंबर का महीना होता है, जनवरी का होता है, तीन महीने में मिट्टी को थोड़ी खुश्क सी रखिए। और एक और हम आपको उसमें नई जानकारी देंगे, अब कुछ भाइयों ने बोला कि हमारे गुलाब में काली काली डंडी हो गई है, पत्ते झड़ गए हैं, पत्ते झड़ गए हैं और जो कली बन रही है वो काली काली होकर नीचे गिर गई है और हमारे पौधे सूखे से लगते हैं, बिल्कुल खाली से। दोस्तों ये मेरा मानना है और भाइयों का भी मानना है जो काम करते हैं, दिसंबर और जनवरी में गुलाब का पौधा 90% ऐसी हालत में हो जाता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं, फूल कम होते हैं और उसकी जो भी कलियां बनती हैं वो काली होकर गिर जाती हैं। ओपन में जो पड़ी है खेतों में, नर्सरियों में, क्यों ये है तो ओपन का ही गुलाब, तो उसमें क्या करना है, अक्टूबर नवंबर एक बार तो जो हमारा गुलाब जब हम कटिंग करते हैं उसके बाद ठीक ठाक खिलता है, फिर ये जनवरी और दिसंबर में फिर हमारा थोड़ा हा पत्ता सर्दी की वजह से झड़ जाता है। जैसे ही फरवरी का महीना आएगा ना, आप कुछ भी नहीं करोगे ना, वही चीज़ पड़ी रहने दोगे, मिट्टी सूखे जब पानी सूखी मिट्टी रखिए, फरवरी 15 के बाद आपका गुलाब एकदम से बदलाव आ जाएगा और हरा भरा रहेगा और कलियां भी बनेंगी और फूल भी खूब आएंगे। और ये देखिए ये पीला गुलाब, देखिए वाह, 7 इंची थैली में कली खिल गई, कली बनने लग रही है, फिर यहाँ भी कली बनेगी, यहाँ भी कली बनेगी, यानी कि इसमें 5-6 फुटाव हैं, ये 5-6 फूल बनेंगे। ये येलो कलर है कितना शानदार, ये पिंक दिखाया मैंने और ये देखिए ये रेड, फिर ये देखिए ये देखिए और ये देखिए बिल्कुल गहरा रेड है, ये बिल्कुल सुर्ख लाल है, ये देखिए इसमें, ये देखिए एक कली खिलेगी, दूसरी खिलेगी और फिर हमारा फिर फुटाव शुरू हो जाएगा। आज हम जो बता रहे हैं पहले भी बता चुके हैं, आप लोगों का विश्वास बनाने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं ये वीडियो बनाता नहीं। अपने गुलाब में ये अगर करोगे तो आपके गुलाब कभी ख़राब नहीं होंगे। और जो मैंने ये सर्दी में पत्ते झड़ते हैं, क्योंकि बहुत से भाइयों का ये कहना है कि हमारे पौधे के पत्ते झड़ जाते हैं और ऐसे हैं तो हम क्या करें, तो मेरी राय ये होगी कि आप उसमें प्लीज़ कुछ ना करें, उसमें मिट्टी में ऐसी ऐसी मिट्टी रखिए, सूखी ऐसी भी ना रखिए, खुश्क मिट्टी रखिए, और जैसे ही फरवरी का महीना हो फिर आप उसमें पानी मिट्टी सूखे जब देना शुरू करिए, मीठी मीठी गर्मी बन जाएगी, मौसम बदलेगा, बसंत ऋतु शुरू हो जाएगी, तो आपका गुलाब एकदम से खड़ा हो जाएगा। जो आपने खाद उसमें पहले डाली वही खाद रखिए, कोई आप ज़्यादा दूसरा कोई खाद मत डालिए, नॉर्मल जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, उसको ज़्यादा काटा छाटी या छेड़ा छाड़ी मत करिए, और जो आपकी डंडियाँ सूखी उनको भी मत काटिए। उसका मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, बस ये ध्यान तो आपको बार बार रखना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ये इसमें देखिए ये आ रहा है ना, ये देखिए ये जंगली आएगा, ये फिर वही है, इसको ऐसे तोड़ दीजिए, इसका पक्का ध्यान रखना पड़ेगा। और आप दिसंबर और जनवरी गुलाब को खाली पड़ा रहने दो दोस्तों, उसमें कुछ मत करिए, गुड़ाई पानी का भी ध्यान रखिए, पानी मत दीजिए और उसमें कुछ भी मत करिए, उसको शांत पड़ा रहने दीजिए। कोई पत्ता सूख गया है, कोई डंडी काली पड़ गई है, कली काली पड़ गई है, उसकी तरफ भी मत देखिए, बस पानी का ध्यान रखिए। जैसे ही आपका फरवरी का महीना शुरू होगा आपका गुलाब खिलेगा और बहुत शानदार फुटाव लेगा। अगर आप उसमें इधर उधर का फिर वही ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, आप ये ज़्यादा खादें डालोगे ना गड़बड़ हो जाएगी, कुछ मत डालिए, खाद कोई मायने नहीं रखती, ये मौसम की मार कहेंगे इसको, मौसम वो खाद कोई काम नहीं करेगा। अगर आप कोई ऐसा फर्टिलाइजर डालोगे जो रासायनिक के DAP वगैरह तो उससे मेरा पौधा ठीक हो जाए, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप वही रखिए और आपका गुलाब बिल्कुल आसानी से चलेगा और खूब फूल खिलेंगे और मार्च फरवरी में खूब फूलों से भर जाएगा आपका। अगर आपको और इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी जो पहली वीडियो उसको देखिए, उसमें नॉलेज मिलेगा। और अगर इसको आप 14 इंची पोट में लगाओगे ना इस गुलाब को,
बारह चौदह इंची पोट में लगाओगे तो खूब शानदार बनेगा। ये 7 इंची कलकत्ते वाली थैली है, इसमें चिकनी मिट्टी है। जब आपने लगाना है, इसकी चिकनी मिट्टी को हटाना है, थोड़ी बहुत रखना है जो हमने पहली वीडियो में बता रखी है। अब मैंने इसी के अंदर, ये देखिए, इसी के अंदर मैंने कुछ नहीं मिलाया है, गोबर की गली सड़ी खाद है वो मैंने थोड़ी थोड़ी डाल दी है, क्योंकि मैंने तो इसको बेचना है, मैंने इसको लगाना नहीं है। जो मेरा बिकेगा बिकेगा, फिर मैं इसको गमले में या ज़मीन में लगा दूंगा। तो ये देखिए ऐसे डाली और नीचे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये कलकत्ते वाली मिट्टी आ गई सारी चिकनी, ये देखिए मैंने, ये देखिए ये आ गई सारी, ये देखो ये आ गई है कलकत्ते वाली। जब इसको कोई भाई लेने आएगा या मैं खुद लगाऊंगा तो इसको मैं हटाऊंगा। ये मैंने इतनी दो दो मुट्ठी ही गोबर की खाद इसमें डाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से आप ऐसे करिए तो आपके पौधे सही हरे भरे रहेंगे और खूब खूब फूल खिलेंगे। तो ये जो तरीका मैंने दोबारा आपको बताया, आप इसको देखिए, आपके पौधे ऐसे खिलेंगे और आपके बगीचे में शोभा बढ़ाएंगे और आपका पौधा भी ख़राब नहीं होगा और फूलों से सजा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और हरा भरा रहेगा और बगीचे की शोभा बढ़ाएगा और आपको मन को शांति देगा, खुश हो गए आप। नमस्कार, जय हिंद।